हाँ किसान भाइयों, ये हमने काला नमक धान की सीधी बुआई किया था और 3-4 वरायटी धान हमने बुआई किया था सीधी। एक ये काला नमक है, एक सांभा सबुअन है, एक बासमती है। लेकिन हमारे यहाँ लोकल दवा से इतनी परेशानी है कि बताओ, ये 2 मरतबा ये घास की दवा इसमें पड़ा है और लोकल दवा किसान को बेच करके, ये देखो ये सब घास गई नहीं, तो इसमें क्या होगा बताइए। ये हम ही नहीं, कम से कम 8-10 किसान हैं हमारे यहाँ के कि जो सब घासें जो है ला के दवा छोड़ते हैं। दुकानदार अपना पैसा ले लेता है, कंपनी वाले पैसा पा जाते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि इसमें क्या करें। ये घास ले करके जब बुआई के 20 दिन के बाद घास ले करके दुकानदार के पास गए थे, भैया ऐसे ऐसे घास है इसमें, इसकी दवा दे। घास की दवा देने के बाद भी उन्होंने जो है देखा, बोला हाँ ठीक, गारंटी चली जाएगी। फिर नहीं गई, 10-15 दिन उसका इंतज़ार किया गया। फिर उनको बुला के देखा, वो नहीं गई, बोला चलो ठीक है दूसरी दवा देते हैं। फिर दूसरी दवा लाने में 10-15 दिन लगा दिए, बरा ला के फिर छोड़ा। लेकिन सेम वही कोई देखो कृष्णा, धान कम और घासें घास ज़्यादा दिख रहा है। और शासन प्रशासन से पेपर के माध्यम से भी अवगत कराया गया, विभाग के लोगों को भी जानकारी दी गई, लेकिन कुछ कार्रवाई हो रही या नहीं हो रही हमारे संज्ञान में कोई बात आई नहीं अभी तक। और दुकानदार मजे से पैसा ले लेता है, काम करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। ना कंपनी का घाटा है, ना दुकानदार का घाटा है, घाटे में सिर्फ किसान जाता है। और अब जो है किसान क्या करे, जब कह सकता है मीडिया वाले को दिखा सकता है, सोशल मीडिया पर चला सकता है, इसमें कोई लड़ाई से झगड़ा थोड़ी कर पाएगा किसान। अब समझ के बाहर है, कम से कम आज जैसे हसीन भाई का खेत में यही हाल है, हकीक भाई हैं, अरे कई लोग हैं इसमें जो कि मतलब इस घास से पीड़ित हैं। सरकार इस पर संज्ञान है, विभाग के अधिकारी आज तक यहाँ देखने तक नहीं आए। और अब हम लोगों का से बताना है, शासन प्रशासन को बताना है कि दुकानदार के ऊपर लगाम लगना चाहिए कि नकली दवाएं ना बेचें। और अब जिस किसान भाइयों को इससे दिक्कत है दवा से या नकली बीज या नकली दवाओं से, वो सपोर्ट में आए, साथ दें। सब किसान भाइयों को सूचित कर रहा हूँ कि दुकानदारों से सावधानी से दवा लें और शासन प्रशासन तक इसकी आवाज़ को पहुँचाएँ।